her bathroom habits of like throwing the towel somewhere and her makeup remover anywhere. आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से लड़ाई कर ली है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि रणबीर कपूर को आलिया भट्ट की कई सारी हैबिट्स पसंद नहीं है और ना ही आलिया भट्ट को रणबीर की कई सारी आदतें पसंद है। एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने खुलासा किया था कि उन्हें आलिया भट्ट के डिसऑर्गेनाइज रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आलिया भट्ट जिस तरह से बेड पर सोती हैं वो भी उन्हें पसंद नहीं आता है और जिस तरह से वो अपने टॉवल को, मेकअप के सामान को, बाथरूम को डिसऑर्गेनाइज रखती हैं वो भी उन्हें पसंद नहीं आता है, जिस वजह से वो आलिया पर नाराज हो जाते हैं, आलिया से अपसेट हो जाते हैं। अब इसी बात को इंटरव्यू में सुनने के बाद आलिया भट्ट रणबीर कपूर से उसी वक्त लड़ाई करने लग जाती है, उनके बीच फाइटिंग होने लग जाती है। बता दें कि इसके बाद से ऐसी खबरें आने लग गई थी क्योंकि रणबीर कपूर जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं वो आलिया भट्ट की इन आदतों के बारे में खुलकर बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और ऐसी खबरें सामने आने लग रही हैं कि रणबीर और आलिया के बीच तगड़े लेवल की फाइट चलती रहती है। आलिया भट्ट को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, इसी वजह से वो रणबीर कपूर से फाइट करती रहती हैं क्योंकि आलिया के बारे में रणबीर इंटरव्यूज में जाकर कुछ भी बोल आते हैं जो कि आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हालांकि बेटी राहा के बाद रणबीर और आलिया एक सिंसियर पेरेंट्स बन चुके हैं और वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि वो पब्लिकली फाइट ना करें और ना ही घर में भी फाइट करें ताकि उनकी बेटी पर कोई असर पड़े। दोनों कपल आपको कैसे लगते हैं? इन्होंने जिस तरह से अपनी बेटी की परवरिश करना स्टार्ट किया है वो बात आपको कैसे लगती है बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, ये न्यूज़ पसंद आई है तो आप ये भी बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं।